जी व्यूज़, वंस अगेन वेलकम टू आज का सबरंग। और जैसे आप जानते हैं कि सबरंग में वी ब्रिंग यू डिफरेंट पर्सनालिटीज़ एज ए गेस्ट। टुडे वी हैव मोहम्मद ज़हूर साहब हु इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वी वेलकम हिम टू आर शो एंड वी विल आस्क हिम सम क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज पर्सनल लाइफ सिंस ही हैज़ अराइव्ड इन यूके। ज़हूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़हूर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप किस सन में यहाँ पर तशरीफ़ लाए और कौन से इलाके से आपका ताल्लुक है? मैं यहाँ 16 जनवरी 1971 में आया और मेरा ताल्लुक झेलम से है। झेलम के नज़दीक एक छोटा सा गांव है डोक मनावर, तकरीबन 5 मील झेलम शहर से दूर, वहाँ का रहने वाला। अच्छा, तो यहाँ जब आप आए थे, आने से पहले किस उम्र में आप आए थे? मैं अर्ली 20s में था। अर्ली 20s में, तो पाकिस्तान में आप क्या करते थे? पाकिस्तान में मैंने MSc किया था स्टैटिस्टिक में। उसके बाद इस्माइल सीमेंट इंडस्ट्री में मैंने 2 साल एज ए सेल एग्जीक्यूटिव काम किया। फिर मैंने जो है CSP का इम्तहान दिया, तो वहाँ मैंने पास किया। चंद दिन वहाँ मैंने मतलब मुलाजमत की, तो वहाँ से मैं फिर यूके आ गया। अच्छा, जब आप यूके आए तो साफ ज़ाहिर है जब इंसान यहाँ आता है तो काम काज की तलाश में निकलता है। जी जी। तो आपने पहला काम जो है वो कौन सा पकड़ा? मैंने सबसे पहले, चूँकि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी, यहाँ आने का मकसद भी यही था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूँ, तो मैंने यहाँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म थे उनमें अप्लाई किया। तो फॉर्चुनेटली पहले 2-1 महीने में ही मुझे ऑल्टमैन स्मिथ में एज एन आर्टिकल क्लर्क जॉब मिल गई। अच्छा, एज ए क्लर्क आपको आर्टिकल क्लर्क ऑल्टमैन स्मिथ जो है उसमें जॉब मिल गई। जी जी। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो आपने यहाँ आकर मजीद उसमें तालीम हासिल की या कि पाकिस्तान से ही कुछ? नहीं 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 नहीं, मैंने वहाँ से तो सिर्फ MSc स्टैटिस्टिक किया था, लेकिन यहीं पर आके मैंने पढ़ा, तो उसके बाद मैं मतलब एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यहीं से क्वालिफाई हुआ। यहाँ से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो बने। जी जी। और अब तो माशाल्लाह आपकी अपनी फर्म है। जी जी। और वही फर्म है जिसमें आप क्लर्क भर्ती हुए थे। जी जी। ये कैसे हुआ सर? ये इस तरह हुआ कि मैंने वहीं से जब मैंने क्वालिफाई किया तो जो प्रिंसिपल थे हैरी ऑल्टमैन, जिसके नाम से ये फर्म है, तो उसने मुझे ये कहा कि भाई, उसने मुझे प्रमोट करके, तो पहले मैं एज ए मैनेजर मैंने काम किया कुछ मदद के लिए, फिर 1977 में उसने मुझे पार्टनर ले लिया। तो जब ऑल्टमैन और स्मिथ जो है वो दोनों रिटायर हुए, तो उन दोनों का इक्वल, जो जो वो रिटायर हुए तो उनका जो शेयर था वो मैंने ख़रीदा। और 1989 में जब मिस्टर स्मिथ जो है वो हुआ रिटायर, तो उसका मैंने शेयर ख़रीदा, तो होली ऑल्टमैन स्मिथ जो है उसका मैं प्रोपराइटर बना। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आप ज़्यादातर अपनी कम्युनिटी के साथ काम करते हैं या कि वाइडर कम्युनिटी जो है वो भी आपकी फर्म में ज़्यादा आते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में जो मेरी टोटल जो है डीलिंग क्लाइंट के साथ, उसमें पाकिस्तानी जो हैं वो मतलब कम हैं। अच्छा। जो बाकी जो हैं मतलब जूश हैं, क्रिश्चन हैं, इंडियंस हैं, तो और भी जो है मतलब तकरीबन हर नेशनलिटी के जो लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, उनका मैं अकाउंट करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप ऑल्टमैन स्मिथ में एक क्लर्क आए थे, जी जी, तो क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं जो पढ़े लिखे यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग, वैसे तो मैं आपसे पूछना भूल गया कि आप कौन से वीज़े पर पहले आए थे इनिशली, ये आप बताइए? स्टूडेंट वीज़े पर ही आया। अच्छा, और यही मैंने काम किया। अच्छा, मैं जो क्वेश्चन था वो ये था कि जैसे आप आए और आपने वहाँ एज ए क्लर्क शुरू किया, तो क्या जो लोग अब नए वहाँ से पाकिस्तान से आते हैं स्टूडेंट, क्या आप उनको कोई अपॉर्चुनिटी देने का सोचते हैं? देखें, जैसा मैं यहाँ आया तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बाद में बने, उनको मैंने दी, जिनमें मैं मतलब बहुत लोगों का नाम ले सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में 1971 से लेकर 1975 तक जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट अकाउंटेंसी करना चाहते थे उनको मैंने अपनी फर्म में जगह मतलब जॉब दिलवाया। उसमें शराजी साहब थे, कुरैशी साहब थे, और भी मतलब रशीद साहब थे, तकरीबन 5-6 लोग जो इस काम के लिए आए उनको मैंने वहीं जगह दी। इसके अलावा भी तकरीबन मतलब पिछले कई सालों में मैंने बहुत से जो पाकिस्तानी स्टूडेंट थे उनको अपनी जॉब में, अपने फर्म में
मैंने जॉब दिया ताकि वो अपना काम सीख सकें, और उसके बाद उनमें से मेरे ख्याल में 6-7 ऐसे हैं जो कि ख़ुद आजकल एज अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान यहाँ आने से पहले पाकिस्तान में कोई सियासत में आपने हिस्सा लिया? मेरा सियासत से मेरा काफ़ी ताल्लुक था, क्योंकि मैं डे वन से जब पाकिस्तान पीपल पार्टी बनी, भुट्टो साहब ने गवर्नमेंट छोड़ी, तो उस वक्त से मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी में हूँ। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब भुट्टो साहब सबसे पहले जब उन्होंने सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया, तो वो लाहौर में YMCA हॉल में उन्होंने पहली तकरीर की, और उस वक़्त मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था। तो ये प्रिविलेज है कि जिन लोगों ने उन्हें उठा के स्टेज पर लेके गए, हज़ारों लोग थे, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल था चलना, तो उनमें से एक मैं भी था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसका मतलब कि आप का जो ताल्लुक है पाकिस्तान में रहते हुए वो था पाकिस्तान पीपल पार्टी से। अच्छा, यहाँ आने के बाद भी आप कोई हिस्सा ले रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में? पाकिस्तानी सियासत में मैंने काफ़ी साल तक लिया हिस्सा, जब तक बेनज़ीर भुट्टो साहब मतलब वो साहिबा रहीं, तब तक मैंने पाकिस्तान पीपल पार्टी में हिस्सा लिया। उसके बाद जब मतलब ये पीपल पार्टी जो है लास्ट हुकूमत 5-6 साल पहले आई, तो मेरा जो उसमें पार्टी में शेयर है या उससे ताल्लुक है स्लाइटली कम हो गया, लेकिन फिर भी मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी का मेंबर हूँ। बल्कि UK की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसमें 5 लोग हैं, उनमें से एक मैं हूँ। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो सियासतदान यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मतलब कि शॉपिंग वगैरह और खाने वगैरह उनके लिए होते हैं, जब वही लोग यहाँ के जो उनको वेलकम कहते हैं, जब पाकिस्तान जाते हैं तो उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलती जो उनको यहाँ पर दी जाती? नहीं, मेरे ख्याल में मेरा ज़रा तजर्बा थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी में जब मैं रहा हूँ, बेनज़ीर साहिबा जब यहाँ थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी, तो ये प्रिविलेज है कि जब वो जाने लगी ब्रैडफोर्ड से, उन्होंने लास्ट जलसा किया, तो उन्होंने चंद लोगों से मतलब मशवरा किया मुझे क्या करना चाहिए, उनमें से एक मैं भी था। इसके अलावा जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उन्होंने UK से ही 5-6 लोगों को जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी में काफ़ी जिन्होंने काम किया था, उनको बुलाया, उनमें से मैं भी एक था। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमें बुलाया, अच्छी तरह हमारी बातें सुनी, जो कुछ भी हमने मतलब कहना था हमने कहा। ये ज़रूरी नहीं था कि वही कुछ करते पाकिस्तान पीपल पार्टी जो कि हमारा ख्याल होता है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने हमारी बात ज़रूर सुनी, और बड़ी इज्जत से जितने हम लोग से उनको उन्होंने रखा। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर आपको एक अरसा हो गया है, तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तानी यहाँ आकर बसते हैं उनको पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, या कि यहाँ का जो माहौल है, जो सिस्टम है, उसमें सियासत करनी चाहिए? देखिए, मेरा जो अपना ज़ाती व्यू है वो ये है कि सियासत तो हमें उस मुल्क में करनी चाहिए जहाँ के हमने मुस्तकर रहना है, लेकिन चूँकि हम बॉर्न ब्रेड पाकिस्तान में हैं, तो वहाँ की सियासत से ताल्लक जो है वो तो ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि हम सब का मेरा ज़ाती यही ख्याल है कि हम अगर कुछ जायज़ तरीके से कर सकते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, उस मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन देखा यह गया कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने डिफरेंट पार्टीज़ में हिस्सा लेकर डिफरेंट पार्टीज़ बनाई हुई हैं, और यहाँ की जो सियासत है उसमें भी वो वही माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो पाकिस्तान की सियासत में होता है। यानी मेरा जो इशारा है वो ब्रादरीज़म, दोस्ती यारी, इस पर वो यहाँ पर भी काम करते हैं। क्या आपका कोई ऐसा तजर्बा है? नहीं, मेरा कोई इसमें ख़ास तजर्बा नहीं है, क्योंकि मैंने ना कभी इस पर सोचा है, ना ही मेरा ये यकीन है। मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि हमें सियासत जो है वो असूल की बिना पर करनी चाहिए। हमें ये चाहिए कि अगर हम लेबर है, कंजर्वेटिव है, लिबडम है, या जो भी है, हम जिस पार्टी को हम देखते हैं, जिसके असूल को हम मानते हैं, हमें चाहिए कि उस पार्टी के असूल या उस पार्टी को फ़रोग देने के लिए काम करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, चलें ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ रह कर यहाँ की जो सियासत है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो कम्युनिटी है उसके जो इशू हैं उस हवाले से आप बेहतर काम कर सकते हैं उनके लिए। अच्छा ये बताइए कि जो मतलब कि पाकिस्तान से आकर यहाँ लोग बसते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात होती है पार्टीज़ में दाखिल होने में, या आपका किसी पार्टी के साथ अभी ताल्लुक है? नहीं, मेरा बिल्कुल ताल्लुक है। मैं 1979 से जब चंद लोग लेबर पार्टी को छोड़ के, तो उन्होंने सोशल डेमोक्रेट पार्टी बनाई, तो वो मैंने उस वक़्त उनसे ज्वाइन किया, और उसके बाद वो मतलब लिबरल डेमोक्रेट में जब वो शामिल हुए, तो उनके साथ ही मैं भी
लिबडम में शामिल हुआ, लेकिन ये है पार्टी में ज्वाइन करने के लिए मुश्किलात नहीं हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि अगर हम कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो हमें उसमें काम भी करना चाहिए, ज़्यादा मतलब जो कि अपनी हैसियत के मुताबिक कर सकते हैं सही है। वो हमें ज़रूर करना चाहिए। मतलब आपने कोई पार्टी ज्वाइन की रखी? मैं लिबडम का मेंबर हूँ 79 से। 79 से लिबडम के मेंबर हैं जी, एसटीपी का उसके बाद लिबडम। बड़े यानी कि आप एक्टिव भी हैं उसमें या नहीं? क्वाइट एक्टिव, यस। आने वाले जो इलेक्शन है उसमें कोई इरादा है हिस्सा लेने का? नहीं, शायद मतलब पार्टी जो है वो जहाँ पर ये है कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकते तो उसमें ये कहते हैं कि कोई पेपर कैंडिडेट हो, तो मैं हमेशा किसी न किसी जगह पेपर कैंडिडेट ज़रूर होता हूँ, क्योंकि जहाँ भी पार्टी को ज़रूरत होती है उसके लिए आपको करना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक एक्टिवनेस का तल्लक है, यस, मैं एवरी वीकेंड पे लीफलेट करता हूँ, ड्यूरिंग वीक भी कई बार लीफलेट, डोर नॉकिंग लिबडम के लिए, उनकी जो बाकी मीटिंग्स हैं उनको अटेंड करना, नेचुरली आई डू दैट। अच्छा, ये बताइए कि थोड़ा सा पर्सनली क्वेश्चन है जी, आप समझते हैं कि आपको जो MBE मिला है वो किस सिलसिले में मिला है? क्योंकि वैसे देखा गया है कि आप माशाल्लाह कम्युनिटी में काफ़ी काम करते हैं, तो क्या उसकी वजह से मिला है या ये नॉमिनेशन कैसे होती है इसकी? नहीं, देखें, जहाँ तक मेरा ज़ाती तल्लक है वो तो सिर्फ ये था कि अपने पाकिस्तानी भाइयों की खिदमत करने के लिए, क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो दो एक साल तो नहीं, लेकिन 73 से जब हम कॉमनवेल्थ से निकले तो उस वक़्त मुझे ये पता चला कि लोगों को ब्रिटिश नेशनैलिटी लेना कितना मुश्किल है। उस वक्त से लेकर पाकिस्तान सेंटर तक मैं अपने जो पाकिस्तानी भाई थे उनके लिए मैं हमेशा काम करता रहा। पाकिस्तान सेंटर में भी मैंने काफ़ी हद तक काम किया, बल्कि 1999-2000 में उसका चेयरमैन भी रहा। तो उससे ये है कि इस लंबे अरसे जो मैंने आवाम के लिए या अपने दोस्तों या भाइयों के लिए काम किया, उस सिलसिले में मुझे जो है MBE दिया गया। अच्छा, इसका MBE का जो रियल मकसद है वो क्या है, इसका मतलब क्या है, और ये अपनी कम्युनिटी के लिए क्या लाता है? देखें, ये एक एक्नॉलेजमेंट है कि आपने ये काम जो किया है इसको लोगों ने सराहा है, प्लस इससे चंद लोगों की ज़िंदगी जो है वो बेहतर हुई है, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट है क्वीन की तरफ से, जो कि मेरे ख्याल में ये है, उससे ये है कि आपको एनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ मैंने ये काम किया, किसी ने इसको रिकग्नाइज़ किया है। अच्छा, क्योंकि ये सारा वॉलंटरी काम होता है। सही है। अच्छा, ये बताइए कि किस किस्म का वॉलंटरी काम जो है कम्यूनिटी में आपने किया है? नहीं, मैंने मतलब जिस तरह पहले अर्ज़ की कि सबसे पहले जो भी मैंने 70 से लेकर जिस तरह ख़ासकर 80s में जब मेजॉरिटी लोग अनएम्प्लॉयड हुए, क्योंकि बहुत सारी स्टील फैक्ट्रियां बंद होती थी, लोगों को ये नहीं पता था कि हमें क्लेम्स कहाँ से करना है या जॉब किस तरह लेने हैं, फर्दर ट्रेनिंग किस तरह होनी है, तो उस सिलसिले में मैंने अपने जो पाकिस्तानी भाई थे उनकी काफ़ी हद तक मदद की कि भाई आप रीट्रेन किस तरह हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी उम्र स्टील या कोल माइनिंग में ही काम करें, और जो ऑफिसर्स हैं, नर्सेज हैं, ख़ासकर उस वक़्त मैंने अपने जितने भी दोस्त थे या कम्युनिटी थी उनको ये ज़रूर कहा कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि मर्द ही काम करें, अगर आपकी लेडीज़ जो हैं या हमारी मुस्लिम ख्वातीन जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं तो उन्हें असिस्टेंट टीचिंग, नर्सिंग, मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ जॉब में जाना चाहिए। उससे थोड़ा बहुत असर पड़ा, लेकिन आस्ता आस्ता ये ज़रूर हुआ कि लोगों में ये थोड़ा बहुत आ गया एहसास कि यह समय काम करना चाहिए। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन मेरे अपने ख्याल में वो ये है कि मैं डे वन से अपने बहन भाइयों से यही कहता रहा कि अपने बच्चों को आप तालीम दिलवाएं, जब तक आप तालीम नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते इस मुल्क में। सही। तो उससे ये हुआ कि स्कूलों में भी मैं जाता था, अपने जितने भी दोस्त थे उनको कई हद तक मजबूर भी करता था शुरू में कि आप पेरेंट्स इवनिंग में ज़रूर जाएं, डजंट मैटर आपको इंग्लिश नहीं आती, डजंट मैटर। तो उससे ये काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा कि हमारे जो बच्चे थे या नेक्स्ट जनरेशन थी उनमें जो बच्चे पढ़ गए, प्रोफेशनल बने, उन्होंने अपने लिए, माँ बाप के लिए, अच्छे काम के लिए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी एक खुशी की बात है। अच्छा, इसके अलावा ये भी कुछ थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ कि आप चैरिटीज़ के लिए भी काफ़ी काम करते हैं, कौन कौन सी चैरिटीज़ के लिए काम करते हैं?
चैरिटीज़ के लिए मैं काफ़ी डे वन से मैं करता रहा हूँ काफ़ी काम. सबसे पहले तो ये कश्मीर में मतलब कोटली में स्कूल थे वहाँ के लिए करता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा. काफ़ी स्कूल थे लड़कियों के खासकर. इसके अलावा मैंने ये किया कि अपने जिस गांव से मैं हूँ वहाँ से एज ए चैरिटी, क्योंकि वहाँ पर कोई स्कूल नहीं था, कि छोटा गांव था, तो वहाँ पर लड़कियों का लहदा स्कूल बना, मतलब नॉट बनाया खुद लेकिन हेल्प की प्लस ये था लड़कों का स्कूल. पूरे गांव में बिजली है, हर गली पक्की है, क्योंकि वो ये होता था कि चैरिटेबल अगर आप 10% दें तो बाकी 90% आपको गवर्नमेंट देती थी. ज़रूरी नहीं है मतलब हमारे गांव में, लेकिन इलाके में भी जहां भी किसी स्कूल को, ख़ासकर उसमें पानी का मसला या टॉयलेट्स के मसले थे या कंप्यूटर्स के थे, ये मेरे मतलब जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उससे मैंने एजुकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की. इसके अलावा जो मैं कर रहा हूँ थ्रू चैरिटी वो ये है कि जो लोग, चंद लोग, हर आदमी नहीं, चंद लोग जो हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, फ़र्ज़ किया खावंद फौत हो गया, बच्चे हैं, उनके लिए एक मंथली जो स्टाइपेंड है वो एवरी मंथ उनको बैंक से ट्रांसफ़र होता है, ताकि वो ना किसी को मिले ना किसी बात के, लेकिन उनके अकाउंट में एक्स नंबर पाउंड रुपीज़ जो हैं वो चले जाएं, ताकि उनका गुजारा होता रहे उस वक्त तक जब तक कि उनका अपना कोई बच्चा जो है वो जॉब नहीं करता. माशाल्लाह, ये यतीमों की जो मदद है ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है. ये बताइएगा कि आप जब वहाँ पर पैसे भेजते हैं चैरिटी के थ्रू फॉर स्कूल्स या यतीमों के लिए, तो क्या उनकी देखभाल करने वाले आपको सही मिले हुए हैं? फॉर द मोमेंट मैं ये कहूँगा कि मैं फॉर्चुनेट हूँ. जहाँ तक यतीमों का तल्लक है वो तो चूँकि बैंक से ट्रांसफ़र होते हैं वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ बाकी चीज़ों का तल्लक है ये मैं ज़रूर कहूँगा कि 99.9% आई एम सर्टन कि उन्होंने वो जो पैसे हैं वो ठीक लगाए हैं, क्योंकि हर साल मैं पाकिस्तान रफली जाता रहता हूँ तो वो ठीक लगे हुए हैं. आप देख सकते हैं कि दे हैव डन. वेरी गुड. अच्छा, आप ये बताइएगा कि 71 में जब आप आए थे तब के हालात आपके जहन में हैं, तब के हालात अच्छे थे या अब के हालात अच्छे हैं? देखें, इकोनॉमिकली तो अब के हालात बहुत अच्छे हैं. उस वक्त जब 71 में मैं आया तो शहरों में मैं रहता था, तो सबसे पहले जब बर्फ़बारी हुई, मैंने तो देखी नहीं थी सिवाय मरी के, तो जब पहली बर्फ़बारी हुई तो आसमान से जब वो बर्फ़ के बजाय बिल्कुल काली बर्फ़ नीचे गिरी तो ये हाल था उस वक्त. आज ये है कि माशाल्लाह अगर कंकरी बर्फ़ की भी आए तो वो वाइट होती है. सही. तो ये उसमें फ़र्क है. इसके अलावा जनरल इकोनॉमिक जो है वो यूके की मच बेटर है. प्लस ये है कि आज जो जॉब्स हैं वो एडवांस्ड हैं, एजुकेशन से उनका तल्लक है. लेकिन उस वक्त मेजॉरिटी जो थी वो लेबर थी. यानी कि आप उस दौर में आए जबकि यहाँ स्टील वर्क जो था वो अरूज पे था. बिल्कुल, यूके अपने शेफील्ड जो है वो स्टील टाउन कहलाता है. लेकिन वो स्टील फैक्ट्रियाँ तमाम बंद होने के बाद इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, तो अब आप कैसे कह सकते हैं मैशियत अच्छी है? मैशियत इसलिए अच्छी है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आप ये देखें कि इस मुल्क में टोटल जो है 5.1% अनएम्प्लॉयमेंट है, उस वक्त भी 6 या 7% थी. ये नहीं है कि उस वक्त होली एम्प्लॉयमेंट नहीं थी. तो आज जो एम्प्लॉयमेंट है वो आसान भी है, रिम्यूनरेटिव भी ज़्यादा है, और प्लस उसमें वक्त जो है वो भी कम है. 8 घंटे हैं 7 घंटे हैं, उस वक्त 10-12 घंटे की शिफ्ट हुआ करती थी. अच्छा, ये बताइएगा कि कोई ऐसा वाकया जो आप अपनी ज़िंदगी में भुला ना सकें, कोई ऐसा वाकया पेश आया हो आपको? नहीं, ऐसा कोई मतलब बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ऐसा इंसिडेंट नहीं आप भुला ना सके हो. नहीं, वो कोई खुशी का मौका हो या कोई ऐसा मौका हो जो आपको याद रहा हो अब तक? नहीं, मेरे ख्याल में कोई ऐसा मतलब बहुत सारे वाक़े हैं जो कि मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरी ज़िंदगी में जो हैं वो हैं, लेकिन एक मतलब जो अपना मेरा ज़ाती है वो ये है. ज़ाती तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जब मेरी बेटी डॉक्टर बनी. अच्छा. तो ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि भाई वो हमारे लिए खुशी की बात थी. अगर मैं उस गांव में होता तो वहाँ तालीम हासिल करना या बच्चियों के लिए इस हद तक जाना बहुत मुश्किल था. सही है. अच्छा, कोई कम्युनिटी को मैसेज देना चाहें आप? मेरा सिर्फ उनसे एक ही अर्ज़ है कि भाई सबसे पहले अपने बच्चे जो हैं ये मेक श्योर करें कि वो तालीम हासिल करें,
جب تک تعلیم نہیں ہوگی آپ آگے نہیں بڑھیں گے. دوسرا ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے اسلام اور مذہب کو ضرور ساتھ رکھیں, لیکن اس میں تھوڑا بہت یہ ضرور خیال کریں کہ بچوں کی جو ہے مذہب کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی انکم جو ہے حلال کی وہ بھی ضرور کمانی چاہیے. اچھا جاب ہوگا تو مذہب سے بھی وہ ساتھ رہیں گے, مسلمانوں کا نام جو ہے اس کو بھی بہتر کریں گے. اور جو تیسری بات جو میں یہ ضرور کہوں گا کہ بھائی آپ یہ کوشش کریں کہ آپ جو بھی کمائیں جو بھی کھائیں اس میں حلال جو ہے وہ زیادہ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ظہور صاحب آپ کے ساتھ بات چیت کر کے بڑی خوشی ہوئی, اور جو کام آپ کر رہے ہیں کمیونٹی کے لیے پاکستان میں, جو یتیم بچے ہیں ان کی جو مدد کر رہے ہیں, امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے باقی دیکھنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح اس کام میں حصہ لے, تاکہ جو ہمارے غریب غربا پاکستان میں لوگ بستے ہیں جن کے والدین نہیں ہیں ان کی بھی مدد مل سکے. امید کرتے ہیں کہ آپ یہ جو کام ہے اس کو جاری رکھیں گے. نہیں قاضی صاحب, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا, اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ آپ کے ذریعے جو لوگ دیکھیں گے ان کو یہ ہے کہ وہ دعا کریں تاکہ ہر آدمی جو ہے وہ دوسرے کے لیے بہتری کر سکے. ماشاءاللہ. جی یہی تھا آج کا سبرنگ, اور امید کرتا ہوں کہ ظہور صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی اور کافی انفارمیشن ان کے بارے میں بھی آپ کو ملی ہوگی. سبرنگ ہمیشہ مختلف شخصیات جو ہیں جو پاکستان سے یہاں آ کر بستے ہیں ان کو آپ کے سامنے لاتا ہے اور ان کی زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ پروگرام دیکھتے رہیں گے. جاوید قاضی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.